हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग चैनल से खुशी सिंह का देसी किचन पे। तो दोस्तों, हमारे सामने कुछ अंडे हैं, तो बिना देर किए मैं आपको बता देती हूँ आज हम लोग अंडा कढ़ी बनाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ठंडे का मौसम है और फिर एक हमारा जो है वो प्रोटीन का सूत्र है, तो क्यों ना एक कढ़ी बनाया जाए। तो बिना देर किए हम आपको बताते हैं कि आपको अंडा कढ़ी कैसे बनाना है। तो पहले फ्रेंड्स, हम लोग जो एग लिए हैं उसको हम लोग अब पानी में डाल देंगे। ये बॉइलिंग वाटर है फ्रेंड्स, आपको भी पानी को गर्म कर लेना अच्छे से, फिर उसमें हम अंडे को बॉयल करेंगे। और ये हम 5 लोगों के लिए बना रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जो एग है वो अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। अब हम लोग एक एक करके अपने एग को ऐसे ही प्लेट में निकाल लेंगे और फिर उसका जो आपको जो एक एग तो सबको लेना ही चाहिए फ्रेंड्स। ऐसे छिला आपको ऐसे एग शेल आराम से छील लेना है, प्लेन बट नहीं लगाएंगे अभी। पहले ध्यान रखना है कि जब आप अंडा को बॉईल कीजिएगा तो एक चीरा उसमें लगा दीजिएगा, कुछ इस प्रकार जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस प्रकार एक चीरा छुरी की सहायता से, किसी की भी सहायता से एक चीरा लगा दीजिए। और यहाँ हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ किया है कि हमने नॉर्मल तेल लिया है, सरसों का तेल, और उसमें हमने हल्दी लिया है और उसमें हम इसको मिला देंगे, जिससे इसका कलर जो है वो वाइट से हल्का येलोइश हो जाएगा और इसका खून जब हम इसे बॉयल करेंगे तब, और इसका इससे इसका स्वाद भी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी टेस्टी भी लगेगा खाने में। क्योंकि अब हमारा ऑयल हो चुका है, अब हम इसमें अपना एग देंगे। ध्यान रखना आपको दोस्तों कि अंडा डालने के बाद तेल थोड़ा छिटकेगा ऊपर, बट थोड़ा दूर से, और केयरफुली आप इसको फ्राई कर लीजिए। और इसको हल्का आपको लाइट ब्राउन रखना है। और ये फ्रेंड्स, ये एग अब हम लोग का फ्राई हो चुका है। देखिए कितना एग पे कितना शाइन कर रहा है और कलर भी बहुत आ रहा है। पहले हमारे पास तेज पत्ता है, इसको बीच में बेली फ्लू बोलते हैं, वो डालेंगे। अब हम ये प्याज डाल रहे हैं, अब इसको लाल होने तक फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। और फिर हम जिसको मसाला डालेंगे मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, उसमें हमने लिया है जीरा, मिर्च, लहसुन आदि, गरम मसाला, धनिया, ये सब को हमने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। और यही हमारा मसाला है, यही हमारे ग्रेवी में जाएगा। तो पहले हम लोग प्याज को फ्राई करने देते हैं, उसके बाद फिर हम ये मसाला उसमें डालेंगे। और फ्रेंड्स, हमारा देखिए मसाला कितना अच्छा भून चुका है। तो मैं इसका ऑयल देखिए इसका साइड से छोड़ रहा है, साइड से। अभी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे अपने एग को डाल देंगे एक एक करके, और फिर हम एग को इसके साथ थोड़ी देर भूनेंगे ताकि जो मसाला है वो हमारा एग के अंदर चला जाए। उसके बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे, उसके बाद फिर हमारा अंडा ग्रेवी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपका कुछ सजेशन है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं। और फिर फ्रेंड्स, आप वीडियोस को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। हमें अच्छा लगता है कि नहीं फ्रेंड लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। इसीलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आते हैं तो लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब धनिया पत्ता इसमें डाल दिया, ये अब हमारा पूरी तरह रेडी हो गया। अब हम इसमें बस अपना धनिया पत्ता डाल रहे हैं और अब ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गया। अब आप इसे चावल के साथ या रोटी के साथ, जिसके साथ आप खाना पसंद करें, तो हम लोग इसे चावल के साथ खाएंगे। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा